Hello and good morning everyone in our new e-learning channel Ascent Academy online class. And students, आज हम पढ़ेंगे greater than, less than और equal to. Greater than, less than और equal to हम alligator face से समझेंगे. हमारा ये जो alligator है ये water में रहता है, वो हमें पता है. और water में इसको food के लिए क्या मिलेगी? Fishes मिलेगी, बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी इसको खाने के लिए. तो ये किस जगह पर जाएगा जहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ होगी? वैसे ही हमारे पास two numbers होंगे. For example, हमने एक नंबर लिखा 43 और एक नंबर लिखा 27. यहाँ पे 43 फिशेस हैं और यहाँ पे 27 फिशेस हैं. हमें बताना है कि हमारा ये जो एलिगेटर है वो किस साइड जाएगा, मतलब जहाँ पे उसको ज़्यादा फिशेस मिलेगी वो वहीं जाएगा. तो इन दोनों में से जो बिग नंबर कौन सा है? 43 27 से बिग है. तो हम 43 की तरफ ओपन फेस, एलिगेटर का ओपन फेस बनाएंगे. तो हमने ये ओपन फेस बनाया, 43 बिग था तो 43 की तरफ हमने ओपन फेस बनाया. तो ये हमारा जो साइन बनाया हमने, ये साइन है हमारा ग्रेटर देन का. और हम इसको रीड कैसे करेंगे? 43 इज ग्रेटर देन, इस साइन को हम रीड करेंगे ग्रेटर देन से. तो हम इसको रीड करेंगे 43 इज ग्रेटर देन 27. आपको समझ में आया? हमारा ये जो एलिगेटर था वो ज़्यादा फिशेस, मीन्स यहाँ पे 43 फिशेस है और यहाँ पे 27 फिशेस है. तो 43 फिशेस की तरफ उसको खाने के लिए जाएगा. तो हमने यहाँ पे एलिगेटर का ओपन फेस किया और ये ओपन फेस वाला साइन हमें ग्रेटर देन कहते हैं. हम इस ओपन फेस वाले, इस साइड वाले जहाँ पर इस तरफ मुँह खुला है उसको हम ग्रेटर देन कहेंगे. जब इस तरफ मुँह खुलेगा, इस तरफ हम ओपन फेस बनाएंगे, उसको हम लेस देन कहते हैं. और ये जो इक्वल टू का साइन होगा, मीन्स दोनों इक्वल है, दोनों नंबर जो हमारे पास है वो इक्वल है. ये हमारा एक एग्जांपल था. हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर हमने लिखा 27 और यहाँ हमने लिखा 93. तो 27 से 93 छोटा है, 93 बड़ा है. तो हमारा जो एलिगेटर है वो 93 फिशेस, जहाँ पर ज़्यादा फिशेस है वहाँ जाएगा. तो यहाँ पे 93 बिग नंबर है तो वो 93 की तरफ आएगा. तो हम यहाँ पे ओपन फेस बनाएंगे और जब हम ये ओपन फेस बनाएंगे तो हम इसको रीड करेंगे 27 लेस देन 93. ये साइन हमारा लेस देन का है, हम इसको लेस देन रीड करेंगे. और एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे 19 है और यहाँ पे भी 19 है. ये दोनों नंबर इक्वल है, ये भी 19, ये भी 19, मीन्स दोनों साइड इक्वल फिशेस है. तो हमारा एलिगेटर दोनों साइड इक्वली कहीं भी जा सकता है. तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन बनाएंगे. आपको समझ में आया ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू? जहाँ जो नंबर बिग है हम उसकी तरफ ग्रेटर, उसकी तरफ ओपन फेस वाला मुंह बनाएंगे. सेकंड नंबर पे भी हमें वही बनाना है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि हम अगर यहाँ पे मुंह ओपन कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा. और इस तरफ मुंह बना रहे हैं, मीन्स ये वाला मुंह बना रहे हैं, तो वो लेस देन का होगा. और हम इक्वल कर रहे हैं तो वो इक्वल टू होगा. फॉर एग्जांपल्स, अब ये देखो, एक दो मैं कर रही हूँ, बाकी के आपको खुद को करने हैं. समझ में आ गया होगा आपको. ये नंबर है हमारा 74 और ये नंबर है 36. 74 36 से बिग है, इसलिए हम 74 की तरफ ओपन फेस बनाएंगे और इसको रीड करेंगे 74 इज ग्रेटर देन. ये साइन हमारा ग्रेटर देन का है. देखो, ये साइन हमारा ग्रेटर देन का है. 74 इज ग्रेटर देन 36. सेकंड एग्जांपल देखो, ये 94 है, ये 94 है, दोनों इक्वल हैं. तो हम इसको रीड करेंगे 94 इज इक्वल टू 94. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा. अब ये आपका आज का होमवर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको खुद को करना है.